कामों का बंटवारा करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर मार्गदर्शन हमें विदुर जी के द्वारा यहां पर प्राप्त होता है। मैं एक बहुत बड़े घर में रुका हुआ था और रात्रि के समय हम बातचीत करते बैठे थे सहज। उस घर के जो बड़े व्यक्ति थे उन्होंने अपना कामकाज 2 वर्षों से छोड़ दिया था, अपने पुत्र को सब सौंप दिया था। उस दिन की बात में उस पुत्र ने एक बात कही कि पिताजी, मैंने उस व्यक्ति को एक काम कहा और उसने जाकर के बड़ा नुकसान कर दिया। उस वयस्क व्यक्ति ने तुरंत अपने पुत्र से कहा, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तो एकदम अपने पुत्र का पक्ष लेकर के मां बीच में बोली, नुकसान तो उसने किया है, इसकी गलती क्या है। उस अनुभवी वयस्क व्यक्ति ने तुरंत कहा कि इसे कौन सा काम किसे सौंपना चाहिए, इसका भान क्यों नहीं रहा। यदि वह व्यक्ति उस काम के लिए योग्य नहीं था जो कि मुझे पता है, उसे इसे यह काम सौंपना नहीं चाहिए था। किसी भी काम को सौंपते समय और विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम को सौंपते समय उस व्यक्ति की योग्यता का विचार करना चाहिए। बात साफ है मित्रों, परब्रह्म तत्व एक होने पर भी चूंकि यह संसार प्रकृति का बना हुआ है, सत्व रज और तम इन 3 गुणों का बना हुआ है, सारी प्रकृति में विविधता है, सारे लोगों में भी विविधता है, इसलिए सब लोग समान नहीं होते हैं। और इसीलिए किसी भी काम को करवाते समय उस व्यक्ति की 3 बातों को देखना पड़ता है, तब जाकर के वह उस कार्य के लिए योग्य है कि नहीं देखना चाहिए। पहली बात है उसकी क्षमता क्या है, दूसरी बात है उसकी मनोवृत्ति कैसी है, और तीसरी बात है जिस कार्य के लिए मैं भेज रहा हूं या उसे नियुक्त कर रहा हूं उस कार्य की परिस्थिति क्या है। इन 3 बातों का विचार किए बिना यदि सब समान है इस बात को लेकर के हम किसी को कोई भी काम सौंपने लग जाए तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है।